हेलो दोस्तों आपका स्वागत है कुकिंग विद अमृता में आज मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ मेथी और आलू की सूखी सब्जी की जो कि खाने में बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं मेथी का मैंने 400 ग्राम का एक बंच लिया है जिसके जर के पास मोटे वाले पार्ट को मैंने काट के हटा दिया है और मेथी को अच्छी तरह से चुनकर साफ कर लिया और अब मेथी को मैंने चार से पाँच पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और इसके बाद मेथी को मैंने एक छन्ना के ऊपर रख दिया ताकि इसके पानी निकल जाए उसके बाद मैंने मेथी को फाइन चॉप कर लिया है इसके साथ ही मैंने तीन मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और आलू को भी चंक्स में काट लिया जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं आलू को काट मैंने पानी में डुबो के रखा है ताकि आलू का कलर चेंज नहीं हो अब सब्ज़ी में तड़का लगाने के लिए मैंने तीन हरी मिर्च दस से बारह लहसुन की कलियाँ और एक से डेढ़ इंच अदरक का टुकड़ा लिया है मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर लें अब इसके लिए मैंने कढ़ाई को गर्म किया और इसमें दो बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है और तेल के गर्म होने के बाद मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डाल दिया जीरा के लाइट ब्राउन कलर होने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है और अदरक और लहसन को फाइन चॉप कर लिया है हरी मिर्च के भुनने के बाद मैंने इसमें अदरक और लहसुन चॉप किए हुए डाल दिए हैं और लहसुन के लाइट गोल्डन कलर के होने तक हम इसे भुनेंगे यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके एक से दो मिनट में लहसुन का कलर लाइट गोल्डन कलर का हो गया है तो अब इसमें हम आलू को डाल देते हैं गरम तेल में कच्ची सब्जी को डालते ही तेल के छीटे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं जिससे कि पूरा किचन और स्लैब गंदा हो जाता है उससे बचने के लिए हम कढ़ाई को आधा ढक देते हैं जिससे कि आलू अच्छे से भुनता भी रहे और साथ ही साथ तेल के छींटे से स्लैब भी नहीं गंदा हो आलू को हम इस तरह से भुन लेंगे और हर दो मिनट में आलू को बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जल नहीं जाए अब भुनते हुए आलू में मैंने आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दिया है और इसे वापस हम भुनते हैं नमक मैं मेथी को डालने के बाद डालूंगी क्योंकि मेथी भुनने के बाद बहुत कम हो जाती है क्वांटिटी में आलू को हम मीडियम हीट पे ही लाइट गोल्डन कलर के होने तक भुनेंगे और इसमें लगभग आठ से दस मिनट का टाइम लगता है आलू हमारे भुन चुके हैं अब इसमें मैं कटी हुई मेथी को ऐड कर देती हूँ और इसे मिक्स करते हैं और तीन से चार मिनट के बाद मेथी की क्वांटिटी धीरे धीरे घटने लगती है तो अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ इसमें मैंने एक छोटा चम्मच नमक ऐड किया है नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर लें और अब हम इसे मिक्स करते हैं नमक को आलू और मेथी में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम ढक के पकाएंगे और इसे दो दो मिनट में बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये तले से जले नहीं और इस तरह से दस से बारह मिनट में हमारी मेथी अच्छी तरह से भुन जाती है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसे मैं बीच बीच में चलाती जा रही हूँ हर दो से तीन मिनट में हम मेथी को चलाते रहेंगे और इस तरह से बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारी मेथी आलू की सब्ज़ी तैयार हो जाती है दस से बारह मिनट में मेथी बिल्कुल बुनकर तैयार हो जाती है आलू और मेथी की सब्जी में आलू की क्वांटिटी आप अपने चॉइस के अनुसार ले लें और आलू को हमने दस मिनट मेथी डालने के पहले भी भुना था और मेथी के साथ भी बुनते हैं तो इससे आलू भी अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाती है लेकिन फिर भी मैं एक आलू को चेक कर लेती हूँ कि ये पक गया या नहीं पका तो आलू बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं और हमारी मेथी आलू की सब्ज़ी तैयार हो गई है आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें